F1 LS के एक प्लेयर को यहाँ पे लॉस किया जाता है एंड यू नो अभी भी इस मैच के ऊपर एरन गिल में मुझे एक अर्ली फाइट जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो देखने का मौका मिला। शैडो के ऊपर काफी ज्यादा शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं एंड ईस्पोर्ट्स एम्पायर थर्ड पार्टी की तरफ यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। शेन की तरफ से काफी डैमेज वहां पर दिया गया लेकिन ये ट्रिपल कॉम्बैट हमें देखने को मिल रहा था अब वो खाली दो ही टीम के बीच में रह चुका है यानी TSM FTX वर्सेस टीम ईस्पोर्ट्स एम्पायर। क्या ही जबरदस्त एक रिफ्लेक्स शॉट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। हल्का सा पीक वहां पर वो करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ टीम नंबर 20 के खिलाड़ी एंड उसका फायदा नुकसान उठाना पड़ा। लाइक वनॉक्स आए तो है कौन हुए हैं बट क्या इनफ रहेगा ये जगह जो उन्होंने बनाई है। मेरे ख्याल से स्मोक भी बहुत जरूरी है फ्रैगर उनकी लोकेशन पर आए जस्ट वो एक फ्री फायर करेंगे एंड मेरे ख्याल से एक M249 का वो जी हाँ M249 का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। M249 का जो ड्रम मैच होता है ना गेम्स वो एंड ये देखिए ये है फ्लैग ये है ईस्पोर्ट्स एम्पायर एंड ईस्पोर्ट्स एम्पायर की अगर हम बात करेंगे अपना गेम प्ले बरकरार रखने वाले हैं। हमें पता है कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है डेफिनेटली ये क्वालिफाइड टीम्स भी हमें टीम पे आती है।